So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in acting. I hope दोस्तों आज हमारा जो acting based interview session है उन students को बहुत benefit मिलेगा जो actor बनना चाहते हैं, जो actresses बनना चाहते हैं. तो मैं सबसे पहले मोनिका को वेलकम करता हूँ. मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो एक एक्टिंग बेस्ड रहेगा और सारे क्वेश्चंस मॉक इंटरव्यू की तरह ही होंगे. तो हम चाहते हैं आज के इंटरव्यूज में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दें और जो एक्टिंग बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आप अपनी तरफ से बेस्ट दें. और हम अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आपको स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोज मिलेंगे. आप उन वीडियो से अपने आप को बहुत डेवलप कर सकते हैं. तो चलिए मोनिका, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एज एन एक्टर आप सबसे ज्यादा अपने अंदर किस चीज की इंप्रूवमेंट चाहते हैं? सर, एक एक्ट्रेस बनने के लिए सबसे परफेक्ट, हर एंगल से परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करूंगी. उसके लिए मैंने पीडी क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी हैं. ओके. और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी लेती हूं. वेरी गुड. तो यानी कि ऑलरेडी आपने ये चीजें ज्वाइन कर रखी है. यस सर. चलिए अब मुझे ये बताइए कि आप एक्टिंग में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, मैंने अपने करियर में एज इन एक्टिंग अपने करियर को चुना क्योंकि मेरे को बचपन से ही सीरियल्स, मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता था. उनमें एक्टिंग देखती थी, मुझे लगता था कि मैं ये और बेहतरीन तरीके से कर सकती हूँ. और मेरा ये जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरा ये जुनून बनने लगा. मेरे पेरेंट्स का भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा और मेरे को मुझे ट्रैवलिंग और नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है. तो मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन में अच्छी तरीके से कर सकती हूँ और एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ. बिकॉज़ आई लव एक्टिंग. ओह रियली, सो यू लव एक्टिंग. चलिए मुझे ये बताइए फिर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? सर, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय है बिकॉज उन्होंने 21 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड का क्राउन पहन लिया था और शी और परफेक्ट एग्जांपल फॉर ब्यूटी विद ब्रेन. और कोई उनकी फेमस मूवी? सर, उनकी जो आपको पसंद हो. सर, उनकी फेवरेट, उनकी एक मूवी है जो मेरी फेवरेट है, दिल का रिश्ता. ओके. कोई हॉलीवुड मूवीज भी उन्होंने बनाई है? श्योर सर. कुछ नाम बता सकते? यस सर, बताइए. उन्होंने बहुत सी मूवीज बनाई है लेकिन मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहती हूँ, द पिंक पैंथर और द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. आपका नॉलेज लेवल अच्छा है भाई. और अब मुझे आप ये बताइए कि मान लीजिए आप रिहर्सल पर जाते हैं और आपके पार्टनर उस दिन आए नहीं जिनके साथ आपको रिहर्सल करनी है या ये स्क्रिप्ट करनी है, तो आप उस दिन क्या पोस्टपोन कर देंगे अपनी जो रिहर्सल है या स्क्रिप्ट आपकी? नो सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा. मेरे पार्टनर एब्सेंट है तो मैं उनके एब्सेंस में भी प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि ठहरा हुआ आदमी और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं. ओके. और मान लीजिए कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट भी हो जिसमें कोई मेंबर की भी जरूरत हो तो आप क्या करेंगे? सर, मैं एज एन पार्टनर किसी और को, अपनी फ्रेंड को खड़ा करके उसकी प्रैक्टिस करती रहूँगी. मैं रुकूंगी नहीं. आप रुकेंगी नहीं, दैट्स गुड. मोनिका, मान लीजिए आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको बुरा भला कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सर, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला. okay. और सब और देखूंगी कि वो कमेंट अगर नेगेटिव है तो वो किस वजह से आया है. बिल्कुल. और व्यूअर पर नाराज होने के बजाय मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूंगी. ओ, यू आर अ गुड लर्नर. आप ये नहीं देखेंगे कि वो बुरा, आप ये देखेंगे कि उन्होंने जो बुराई लिखी है शायद ये कमी आप में हो भी. yes. तो उस कमी को आप इम्प्रूव करेंगे. वेरी गुड. चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि आपको किस तरीके का रोल पसंद है? सर, मैं अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सारे रोल करने में सक्षम हूँ. okay. पर अगर मुझे हर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किसी भी तरह का रोल मिले तो मैं सब कर लूँगी. yes, लेकिन आप मेरी प्रेफरेंस पूछते हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं लीडिंग रोल करना पसंद करूँगी. लीडिंग रोल? यस सर. ओके. चाहे वो प्रोटागोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट. ओके. नायक हो चाहे खलनायक हो. yes, आप sure. सब मींस करने को तैयार है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस सर, दैट्स गुड. चलिए जब मुझे ये बताइए कि एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है आपके साथ कि एक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है या टैलेंट? नो डाउट सर, टैलेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती. अगर मिल भी जाती है तो बहुत कम समय के लिए होती है. बिल्कुल. और टैलेंट एक सक्सेस पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ट्रेनिंग, उसको प्रैक्टिस, हार्डवर्क उस टैलेंट को और निखारने के लिए जरूरी है. ओके. सो यू मीन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और हार्डवर्क ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ओनली टैलेंट? Sure. चलिए जी, अब मुझे ये बताइए कि आपको मान लीजिए आपने बोला लीड रोल आपको पसंद है मगर मान लीजिए आपको लीड रोल ना मिले और माइनर रोल मिले तो आप कर लेंगे? श्योर सर, मैं जिस तरह का रोल मिले मैं कर लूंगी. आज जैसे मैंने आपको बताया मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार मैं सारे रोल कर सकती हूँ. बट ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि हर एक स्टार ने अपनी करियर की शुरुआत एक छोटे पर्दे से ही की है. मैं आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी. शाहरुख खान जिन्होंने एक अपनी करियर की शुरुआत एक फौजी नामक सीरियल से की थी और आज वो एक बड़े पर्दे पर स्टार बन चुके हैं. ओके. मैंने आपसे आपके फेवरेट एक्टर्स पूछी थी, आपके फेवरेट एक्टर कौन है?
सर मेरा फेवरेट एक्टर शाहिद कपूर है। ओह शाहिद कपूर, तो स्पेशल कुछ क्वालिटी उनमें? सर वो काफ़ी, मैंने उनको ना अपने रोल में काफ़ी मतलब घुलते मिलते देखा है, वो अपने करेक्टर को एकदम अब्सॉर्ब करके शो करते हैं। यस सर। ओके ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि आपको जब कोई कैरेक्टर निभाना होता है किसी स्क्रिप्ट में, तो आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं कि वो कैरेक्टर में बिल्कुल आप भी शाहिद कपूर की तरह ही इसी तरीके से आप एक्ट करें? सर मैं स्क्रिप्ट को पहले तो एकदम डेप्थ से स्टडी करूंगी और स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से मतलब पढ़ूंगी और अपने रोल को अच्छी तरीके से समझूंगी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्ट्रेस एक्टर जो भी मेरे पार्टनर रहेंगे उनके साथ खुलकर चर्चा करूंगी इस बारे में। ओके, ताकि आपको उस कैरेक्टर के बिल्कुल अनुभव हो और आपको पता लगे। यस सर। चलिए मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी टेक्निक्स एक एक्टर को प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है? सर वैसे तो एक्टर होने के लिए सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहूँगी, फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस और वॉइस एक्सरसाइज। ओके, तो आपको लगता है कि वॉइस एक्सरसाइज अगर आपको कभी कंडक्ट करनी पड़े बहुत हाई वॉल्यूम में, तो आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सर मैं अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं एक शांत जगह चुनूंगी और अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करके अपनी स्क्रिप्ट को जोर जोर से पढ़ूंगी और अपने डायलॉग्स रीड करूंगी। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, आप अपनी लाइफ में आपने जब भी कभी एक्ट किया हो, परफॉर्मेंस दी हो, तो आपका फर्स्ट रोल कभी आपको ध्यान है क्या था? यस सर, मेरे को अपना फर्स्ट रोल मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने एक फर्स्ट रोल एक फंक्शन में फिल्थी रिच गर्ल का किया था। जो रिच गर्ल, बहुत अमीर लड़की। यस सर, जो बहुत बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसकी लाइफ में एक टर्न आता है, उस सिचुएशन से वो इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को चेंज करती है और एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है और सोशल वर्क करने लगती है। ओके, तो वो वैसे बहुत बिगड़ी हुई होती है और पर इंस्पायर होती है कोई एक टर्न से, तो वो टर्न आप डेफिनेटली हमें वो ड्रामा दिखाओगी तभी पता लगेगा हमें। यस सर। चलिए बहुत अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए क्या वो स्क्रिप्ट बहुत ईजी थी? सर नो सर, वो स्क्रिप्ट काफ़ी हार्ड थी, वो उसकी वो फ्लोरी लैंग्वेज में यूज़ की हुई थी उसमें और वो काफ़ी मोनोलोगस भी थी। ओके, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, अगर आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर प्रेशर बहुत होता है, तो आप प्रेशर में काम कर लेंगे? श्योर सर, प्रेशर एक हमारी लर्निंग स्टेज है और पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, और प्रेशर हुआ तो उसमें मैं कूल एंड काम रहूँगी और मैं प्रेशर में वर्क कर सकती हूँ। ओके, आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है बुक रीड करना और नई नई जगह पर ट्रैवल करना और एक्टिंग करना। ओह, एक्टिंग करना तो ऑब्वियस है, दैट्स मैंडेटरी अगेंस्ट फॉर योर करियर। अब मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को फिट मानती हैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए एज एन एक्ट्रेस? सर मैं अपने आप को पूरा फिट मानती हूँ, परफेक्ट मानती हूँ इस एक्टिंग प्रोफेशन के लिए, क्योंकि मैं मेंटली हेल्थी फिट हूँ। ओके, और दैट्स गुड, पंचुअल भी हूँ अपने और पैशनेट भी हूँ अपने वर्क को लेकर। बहुत बढ़िया। आपके फ्रेंड्स और आपके जो कलीग्स हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं? सर मुझे अपने कलीग्स और फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल बताते हैं, फ्रेंडली नेचर का भी बताते हैं। ओके, और अपने काम को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट भी बताते हैं। दैट्स वेरी गुड। आप जानते हैं कि अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको हो सकता है बाहर भी जाना पड़े और आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े, तो आप मैनेज कर लेंगे? सर श्योर, क्योंकि मुझे कोई होम सिकनेस नहीं है, मैं हर तरह की जगह पर एडजस्ट हो जाती हूँ, फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, सो मैं हर जगह काम कर सकती हूँ। दैट्स गुड। और किस तरीके का टेलीविजन प्रोग्राम्स वगैरह आप देखना पसंद करते हैं? सर जो एक्टिंग बेस्ड होते हैं, रियलिटी शो होते हैं, मैं वो देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कोई नाम बताएंगे किसी रियलिटी शो का? सर इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज इज माय फेवरेट। योर फेवरेट? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं? हाँ जी। तो कौन से आर्टिकल्स ज़्यादा पढ़ते हैं आप न्यूज़पेपर में? सर जैसा मेरा प्रोफेशन मैंने चुना है, मैं बॉलीवुड पढ़ना पसंद करती हूँ। ओके, और किस तरीके के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया, मैं फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, तो मैं हर के तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद कर सकती हूँ। ओके, सो यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको ये नहीं है कि कोई अगर लिथार्जी कह लीजिए तो आप कवर अप कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। यस सर। दैट्स गुड, मींस यू आर एन एमिएबल पर्सनैलिटी। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब मुझे ये बताइए कि आपके आइडियल कौन है? सर मेरी आइडियल, मेरे जैसे तो मेरे फेवरेट तो मेरे शाहिद कपूर और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय रहे हैं। okay. लेकिन मैं, आप आइडियल पूछते हैं तो मैं बताना चाहूँगी मेरे मदर रहे हैं, क्योंकि okay. उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इसकी चीज प्रोफेशन के लिए। मोनिका, वी हैव लॉट मेनी कैंडिडेट्स लाइक यू, दोज हु आर कमिंग फॉर दिस इंडस्ट्री, दे आर इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, सो व्हाई शुड वी रिक्रूट ओनली यू फॉर दिस?
सर मैं बताना चाहूँगी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस अवसर के लिए चुना। और मैं अपने आप को उन लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं करूँगी जो मेरी तरह बाहर लाइन में खड़े, क्योंकि मेरे से ज़्यादा डिजर्व भी करता है, कोई मुझसे कम भी डिजर्व करता है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि आई एम पंचुअल, पैशनेट अपने वर्क को लेकर। मैं, मुझे लगता है कि मैं इस वर्क को काफ़ी ऑनेस्टली कर सकती हूँ। ओके मोनिका, कोई ऐसी आपके अंदर क्वालिटी या कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपकी, आपकी कोई खूबी जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके दोस्त भी आपसे जेलस करते हो? सर मुझे तो नहीं लगता कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे जेलस करते होंगे, क्योंकि बहुत नाइस नेचर की हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे लगता है कि वो मेरे आईज से काफी जेलस करते हैं। ओके आपकी आईज, यस। ओके दैट्स वेरी प्रिटी। चलिए अब मुझे आप ये बताइए कि आपकी वीकनेस क्या है? सर मैं अपनी वीकनेस बताना चाहती हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी वीक है और मैं उन पर वर्क भी कर रही हूँ उनको इम्प्रूव करने के लिए। चलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी वीकनेस पता है, क्योंकि बहुत लोगों को वीकनेस पता ही नहीं होती है। अगर आपको पता है तो ऑब्वियस है आप उसे इम्प्रूव भी कर लेंगे और आने वाले टाइमिंग के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट कर लेंगे। Yes. आपकी कोई मेजर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके अंदर? सर मेरी मेजर स्ट्रेंथ है कि मैं अपने वर्क को लेकर पैशनेट हूँ। ओके चलिए मोनिका, फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम आपसे अब जो लास्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्या होगा, बताइए। सर आपका लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि आप कि हम आपको सेलेक्ट कर चुके हैं और आप अपनी स्क्रिप्ट कब लोगे? वेरी ऑप्टिमिस्टिक यू आर। अभी आपको कैसे पता चला कि हम आपको स्क्रिप्ट दे देंगे और हमने आपको ज्वाइन करवा लिया है? बहुत आशावादी लड़की हैं आप। चलिए प्राउड ऑफ यू और आई होप माई व्यूअर्स ऑल्सो थैंकफुल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू दोस्तों। और बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल से पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड से आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस सीख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से आप देख सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मोनिका वी आर रियली प्राउड ऑफ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। कीप इट अप। थैंक यू सर। मोनिका थैंक यू।